तो स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेकहाउस पे। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर जो है फ्लैगशिप किलर के नाम से जाना जाने वाला OnePlus सीरीज का एक और लेटेस्ट फोन आपको बहुत जल्द इंडिया में देखने को मिल सकता है OnePlus Nord 2। डेट यहाँ पर लॉन्च हो चुकी है और रूमर्स के हिसाब से स्पेसिफिकेशन निकल कर आ चुके हैं। उसी का कंपेरिजन करने वाले हम यहाँ पर वीवो के V21 जो कि वी सीरीज टॉप है यहाँ पर वीवो की, इसीलिए हमने यहाँ पर इसको कैटराइज करा है। तो जानेंगे समझेंगे क्या है दोनों में डिफरेंसेस और आपको एक बजट में कौन सा फोन आपके लिए यहाँ पर बेस्ट होने वाला है वो जानने के लिए बिल्कुल वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं डिस्प्ले को लेकर, तो 6.44 इंचेस का पंच होल डिस्प्ले फैसिलिटी आपको नॉट 2 में यहां पर देखने को मिल जाएगा और 6.44 इंचेस का नॉच डिस्प्ले वीवो के V21 में हमें यहां पर नजर आया था। तो वीवो ने यहां पर चेंजेस किए हैं, पहले पंच होल प्रोवाइड करा रहे थे लेकिन यहां पर इस बार इस चीज को हटा दिया है। डिस्प्ले टाइप की अगर बात करें तो फ्लूड एमोलेड रेजोल्यूशन 90Hz का रिफ्रेश रेट हमें नॉट 2 में देखने को मिल सकता है और सुपर एमोलेड की क्वालिटी 90Hz का रिफ्रेश रेट हमें वीवो के V21 में नजर आया था। दोनों ही फोन जो है वो आपको 5G ओरियंट के साथ भी नजर आ जाएंगे और दोनों की सिक्योरिटी ऑप्शन आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसिंग वाले भी मिल जाएगी। प्रोटेक्शन टाइप की बात करें तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास V5 का प्रोटेक्शन आपको दोनों ही फोन में यहां पर देखने को मिल जाएगा, काफी अच्छी चीज है, लेकिन फोन में बैक केस लगा के रखना जरूरी है ताकि ब्रेकेज के चांस कम से कम हमारे फोन पर बने। बात करें कैमरा फीचर्स को लेकर तो 3-3 कैमरा दोनों ही फोन में आपको नजर आ जाएंगे। आपको रियर साइड पर काफ़ी अच्छा इंटरफेस नजर आएगा, 50MP का प्राइमरी लेंस, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल, 2MP का डेप्थ सेंसर OnePlus Nord 2 में हमें देखने को मिल सकता है। नया लेंस यहाँ पर यूज़ किया है, एक तरफ हमने यहाँ पर देखने को मिला 64 का प्राइमरी लेंस, 8MP का अल्ट्रा वाइड प्लस बोके और 2MP का यहाँ पर माइक्रो शॉट वीवो के V21 में नजर आया था। वीवो V21 का फुल डिटेल रिव्यू हमने यहाँ पर कैमरे का कम अपने चैनल पर अवेलेबल कराया है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सारे डिटेल में आपको कैमरा फीचर्स क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। फ्रंट सेल्फीज में चेंजेस काफ़ी अच्छे हमें यहाँ पर नॉट 2 के हिसाब से देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज 32MP का सेल्फी कैमरा ऐड किया है, ऐसा यहाँ पर रूमर्स के हिसाब से चीज़ निकल कर आई है। और 44 का मेगापिक्सल का लेंस हमें वीवो का V21 में देखने को मिला, वो भी OIS मोड के साथ। काफ़ी अच्छी चीज़ हमें देखने को मिलती है, काफ़ी बढ़िया फोटोज आपके यहाँ पर वीवो से भी नज़र आने वाले हैं। परफॉर्मेंस में यहाँ पर एंड्रॉइड 11 पर बेस्ड मीडिया टेक का डायमेंसिटी 1200 नया लेटेस्ट प्रोसेसर यूज़ किया गया है और एक तरफ एंड्रॉइड 11 पर बेस्ड मीडिया टेक का डायमेंसिटी 800U वीवो के V21 में हमें नज़र आया था। मतलब दोनों के अंदर गेमिंग परफॉर्मेंस क्वालिटी आपकी काफ़ी अच्छी यहाँ पर होने वाली है। स्टोरेज वेरिएंट की बात करें 8GB 128GB इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी हमें इतनी तो चाहिए और आप यहाँ पर अपने हिसाब से इसको थोड़ा थोड़ा अलग स्टोरेज भी यहाँ पर देखने का आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर बात करें आप ही के फ़ोन के आपको स्टोरेज वेरिएंट बढ़ाने वाली बात, तो एक तरफ नॉन एक्सपेंडेबल है OnePlus Nord 2 में, मतलब दो नैनो सिम यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे आप, और एक तरफ एक 1TB तक आप अपनी मेमोरी को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं वीवो के V21 में। ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, आप अपने हिसाब से अपनी मेमोरी को यहाँ पर चिप की इससे मेमोरी कार्ड की हेल्प से अपनी मेमोरी को स्टोरेज यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। बात करें अगर यहाँ पर बैटरी को लेकर तो 4500mAh की बैटरी, 30W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नॉट 2 में हमें देखने को मिल सकता है और यहाँ पर 4000mAh की बैटरी और 33W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वीवो के V21 में हमें यहाँ पर नजर आया था। काफ़ी बढ़िया, काफ़ी अच्छी चीज़ हमें ये देखने को मिली थी, काफ़ी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी हमें यहाँ पर देखने को मिला था। तो उसी के साथ यहाँ पर ये चीज़ निकल कर आती है, कंक्लूजन पॉइंट की बात करें तो प्राइस पॉइंट जो है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है अभी नॉट 2 का, लेकिन एक्सपेक्टेड यही है जैसे कि फ़ोन हमारा 8GB 128GB का वेरिएंट है तो 27,990 एक्सपेक्टेड 28,000 कीमत यहाँ पर बताई जा रही है और जैसी फोन लॉन्च होता है ये चीज़ हमारे सामने क्लियर हो जाएगी। बात करें अगर प्राइस की यहाँ पर वीवो V21 की, तो 8GB 128GB फोन जो है वो 30,000 कीमत में देखने को मिल रहा है। फोन जो है 5G वेरिएंट के साथ आता है, प्लस यहाँ पर एक चीज़ की मेन आप बात सकते हैं कि इसमें आपको पंच होल वाली फैसिलिटी नहीं मिलती, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में OnePlus Nord 2 और अच्छा है। लेकिन दूसरी चीज़ अगर बात करें कैमरा वगैरह, तो उसके लेंसेज के सेंसर आपको काफ़ी अच्छे वीवो के V21 में नजर आने वाले हैं। आपकी राय क्या राय है इस चीज़ को लेकर कमेंट में मेंशन जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन का अपडेट आपसे मिस ना हो पाए।